दृष्टि और वाणी से माँ प्रेम नीर बरसा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। मातेश्वरी जी का जीवन निर्मल, निश्चल, दर्पण समान पारदर्शी था। मम्मा में एक शक्तिशाली चुंबकीय शक्ति थी, क्योंकि वे सभी को बच्चे समान समझती थी। सिर्फ ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारियों की मां नहीं, अपितु आपके व्यवहार से अनुभव होता था सभी के प्रति ममतामय स्नेह। मम्मा हमेशा कहती थी कि बिना योग के देह अभिमान जा नहीं सकता। मम्मा को न शत्रु का, न मित्र का, न स्त्री का, न पुरुष का, देह के किसी भी संबंधों का बिल्कुल भान नहीं रहता था। वे तो सच्ची योगिनी थी। एक बार मम्मा के साथ का अनुभव सुनाते हुए आदरणीय जगदीश भाई जी ने कहा, ये उन दिनों की बात है जब संस्था के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया बहुत ही विरोधात्मक थी, तो कई लोग उन दिनों बाबा की बड़ी निंदा करते थे। अब मनुष्य अपनी निंदा तो सुन ले, चलो संस्था की भी निंदा बर्दाश्त कर ले, परंतु बाबा जिनसे हम सभी ने अनन्य प्रेम पाया, जिनसे नया जीवन पाया, उनके लिए अपशब्द सुनना, ऐसा वैसा सुनने से जहां हम सबको उत्तेजना हो जाती थी, वहीं मम्मा ऐसी परिस्थिति में भी एकदम शांत रहती थी। उनके मुखमंडल से ऐसा लगता था जैसे उन पर इन बातों का कोई असर नहीं। ऐसी योग की सर्वश्रेष्ठ शक्ति मम्मा से सदैव प्रत्यक्ष होती थी। योगी इसी से विजय प्राप्त करता है और विजयमाला का दाना बनता है। कहते हैं जब तक कोई आदर्श हमारे सामने ना हो, व्यक्ति किसका अनुकरण करे। मम्मा का जीवन अनुकरणीय था, निर्मल दर्पण की भांति। मम्मा में सहनशीलता, मधुरता, नम्रता और सभी के प्रति सज्जनता, इन सब का समागम था। और ऐसे गुणों की धारणा हम सब में भी होनी चाहिए। कोई भी मम्मा को कभी भी देख ले, उनके पास बैठे चाहे विरोधी हो या सहयोगी, उन्हें मम्मा से इतना अपनापन व स्नेह मिलता जो वो कहते थे, ये मेरी माँ है। और ऐसे अपने दिव्य गुणों के कारण मम्मा छोटी सी आयु में ही सबकी मम्मा बन गई।